नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है माइग्रेन या हेडेक। हेडेक सभी में अलग अलग लक्षणों का होता है। साउंड पोल्यूशन से हेडेक शुरू हो जाता है, किसी को ट्रैवल से हेडेक होना शुरू हो जाता है, किसी को स्ट्रेस की वजह से होता है, किसी को सन स्ट्रोक की वजह से होता है। तो लक्षण बदलते ही हमारी होम्योपैथी में मेडिसिन भी चेंज हो जाती है। मेरे इस वीडियो में आपको मेरे ही पेशेंट का फीडबैक सुनने को मिलेगा। उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और हमारी मेडिसिन से उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। लंबे समय तक किसी को सर दर्द रहता है और वो पेन किलर खाते हुए उसके आदि हो जाते हैं और उनको ड्रग एडिक्शन होना शुरू हो जाता है। तो होम्योपैथी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको तुरंत प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिलेगा और आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो कई लोगों के मन में ये डाउट भी रहता है कि होम्योपैथी बहुत ही स्लो पैथी है, इसका असर बहुत धीरे धीरे होता है, पता नहीं कितने लंबे समय तक दवाइयाँ खानी होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी भी अब बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिनका असर आपको थोड़ी ही देर में देखने को मिलेगा। और इसी तरह का ट्रीटमेंट हम हमारे क्लिनिक पर दे रहे हैं। हम टेली कंसल्टेंसी, वीडियो कंसल्टेंसी और वेब कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल सलाह नहीं देंगे कि आप अपने घर से निकलें। आप अपने घर पर रहकर अपना ट्रीटमेंट डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं और दवाइयाँ घर पर मंगवा सकते हैं। तो आप हमारे क्लिनिक से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति होम्योपैथी क्लिनिक के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पिछले एक साल से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वॉमिटिंग, नोजिया, सर दर्द, जी घबराना जैसी प्रॉब्लम्स होती थी। धूप में निकलने से धूप से एलर्जी होती थी। उसके बाद मैं पेन किलर लेती थी, जब तक पेन किलर का असर रहता था तब तक आराम मिलता था, उसके बाद से वही प्रॉब्लम्स वापस स्टार्ट हो जाती थी। काफ़ी टाइम तक एलोपैथिक इलाज किया लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रीति होम्योपैथी क्लिनिक पे आई, यहाँ से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पिछले 2 महीने से मैं यहाँ से अपना चेकअप करा रही हूँ और अब मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार है। जो सारे प्रॉब्लम्स मुझे पहले होती थी वो प्रॉब्लम्स मुझे अब फेस नहीं करनी पड़ती है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी डॉक्टर प्रीति को और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ही डॉक्टर प्रीति होम्योपैथी क्लिनिक से इलाज कराएं अपना। इनसे आके कंसल्ट करें। धन्यवाद।